జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ కశ్మీర్లో స్థానికులతో ముచ్చటించిన విషయంపై రాజ్యసభలో విపక్ష నేత గులాం నబీ ఆజాద్ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. డబ్బులు ఇస్తే ఎవరికైనా వెనక తిప్పుకోవచ్చని అన్నారు. కశ్మీర్లో సమాచార వ్యవస్థ పూర్తిగా నిలిపివేశారన్నారు. రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయిందన్నారు. 22 జిల్లాల్లో కర్ఫ్యూ విధించారని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో కశ్మీర్ ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారన్న ఆజాద్ వారి పోరాటంలో భాగస్వామిని అవుతారని చెప్పారు. ఇవాళ జమ్మూ కశ్మీర్లో ఆజాద్ పర్యటించనున్నారు. इस गवर्नमेंट ने एक स्टेट को हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म किया जो आज़ादी से पहले भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती थी प्रिंसली स्टेट. उसके बाद भी कई स्टेटों को बनाकर जो 650 के करीब स्टेटें थी उनमें से 14-15 स्टेटें बनाई थी. तो एक एक स्टेट को 10-10, 15-15, 20-20 स्टेटों को मिला के बनाना पड़ा था. लेकिन जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट थी, इतनी बड़ी थी कि उसके साथ किसी दूसरी स्टेट को मिलाना की जरूरत ही नहीं पड़ी सरदार पटेल जी को. और उतनी बड़ी स्टेट को तो आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी पहली स्टेट है जो अकेली ही रही, उसके साथ किसी दूसरी स्टेट को मिलाने की जरूरत और उसको आज यूनियन टेरिटरी बनाए जाए तो शर्म की बात है. एनडीए की सोच की शर्म की बात है, इस सरकार की सोच की शर्म की बात है कि एक स्टेट की आइडेंटिटी खत्म कर दी. इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गुस्से में है. उनके गुस्से में, उनके दर्द में, उनके दुख में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ. वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो टेलीफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है. जहाँ किसी को डिश होगी टेलीविजन चलता है, बाकी टेलीविजन वो भी नहीं चलता है. कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है. तो इन हालात में तो और कर्फ्यू से ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना. कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ? वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो.